जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए आ जाएं, फिर बाद में कुर्सी नसीब हो जाए। मुहर्रम आ रहा भाई, मुहर्रम आ रहा कि बख्शा है इसे ये माता में शबीर रुका है ना रुके। जा 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 खास तौर से देख, खास तौर से ये माता में शबीर रुका है ना रुकेगा। और ये दो मिसरे मैं अपनी तरफ से नहीं, ये आपकी आवाज है जो आप कह सकते हैं। ये मातम जब भी रुका है ना रुकेगा। और ये सर दर सरवर के आला खुदा सलामत रखे मौला, इन ताकतों को सलामत रखना। अल्लाह ने चाहा तो झुका है ना झुकेगा। चार मिसरे और सुनिए सरकार के लाखों जिस्म कमजोर हुआ थोड़ा, लेकिन हौसला भी जो है ये तो उसकी देन है, कभी सेहत और कभी बीमारी। करबला के सत्ते में दुआ करिए मेरे लिए। सुनिए साहब, चार मिसरे और खास तौर से देखिएगा कि लाखों हो ना समझ तो कोई फायदा नहीं। खास तौर से देखिएगा कि लाखों 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 हो ना समझ तो कोई फायदा नहीं। हुर जैसा सिर्फ एक समझदार चाहिए, हुर जैसा सिर्फ एक समझदार चाहिए। और दो मिसरे मौला ही मत मैं सुना जवान कि जब से सुना है अरे बाप से अरे बैत का है सवार, अरे सुगर मचल रहे हैं के तलवार।
बाप पे कोई बात आती तो बेटा ही तो खड़ा होता है। जब से सुना है अरे बाप से, अरे बैत का है समान, असगर मचल रहे हैं के तलवार चाहिए, असगर मचल रहे चल रहे हैं। बस सुनिए साहब शेर सुनिए कि कहते थे भैया सुने बेटा कहते थे भाई सुनिए कि कहते थे साथियों से, कहते थे साथियों से ये मुख्तार बार मिस्र सानी खास तौर से कि कहते थे साथियों से ये मुख्तार बार बार, अरे कदमों में मुझको शाम का दरबार। सरकार दो आलम भी कहा गया, सरकार भी कहा गया उनको, मैंने मुखातिब किया उनको कि ये जश्न नगदोपुर का। अरे भाई बोलिए अब आपके लिए कह रहा हूं, ये जश्न नगदोपुर का बड़ा कामयाब है, सरकार आना सर पार चाहिए, आना यहाँ पाप सरकार चाहिए। एक नारे सलवार दीजिए खासतौर से, खासतौर से दिखेगा कि मौला, चार मिसरे सुनिए कि मौला अली का नाम न लेकर जबान से, चार चार घंटा आपने देखा होगा तकरीर करते रहेंगे, पांच घंटा करते रहेंगे, लेकिन साहब क्या वो है कि मौला अली का नाम खा नहीं सकता, उनकी बात है कि मौला अली का नाम न लेकर जुबान से, कुछ लोगों ने तो मकसदे मिंबर बदल दिया, कुछ लोगों ने तो मकसदे, मौलारी का जिक्र जो है मकसद है मिंबर, कुछ लोगों ने तो मकसदे
मिंबर बदल दिया, दो मिसरे खास तौर से कि जन्नत को एक नारे सलवा दो खास तौर से। कुछ लोगों ने तो मकसद निंबर बदल दिया और दोजख को आप खुद को हम इस लिए चले। एक नारे सलवा दीजिए खास तौर से। चार मिसरे सुनिए और खास तौर से कि खैमे हटाए जाने की बात है, गाजी को जलाल आ गया। इससे पहले के भी शायरों ने मौला अब्बास पे अपने ख्याल जाहिर किए हैं, मैं भी चार मिसरे इन जवानों के सामने खास तौर से अपने साथियों बुजुर्गों के सामने। सुनिए साहब, मौला फरमाते क्या है, एक बाव से बुलंद नारे सलवा भेजिए। मौला क्या कह रहे हैं सुनिए कि कहना, फौजे शाम से मुखातिब है मेरा मौला, कि कहना किसी का किस लिए तुम मानते नहीं। खास तौर से देखिएगा जलाल में है कि कहना किसी का, कहना किसी का किस लिए तुम मानते नहीं। के हकदार हूँ फरार का पहचानते नहीं, हकदार हूँ फरार का पहचानते नहीं। दो मिसरे खास तौर से जा 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 देखिएगा भैया, हकदार हूँ फरार का पहचानते नहीं, और सर को उठाए बढ़ते चले आ रहे हो क्यों, रब्बास के जलाल को तुम जान। नारे सलवा दीजिए खास तौर देखिए भैया, एक बाजे बलंद नारे सलवा पानी में भी चाहिए। आज मैं का आवाज बहुत खींच रहा है, एक बात है बुलंद नारे सलवा है। एक मतला हो दो तीन शेर खास तौर से कई में खास तौर से कई माँ ई माँ का सद उसने
सरापा नहीं देखा। हाँ सर सरकार की माँ का असद उसने सरापा नहीं देखा। शब्बीर का जिसने रुखे ज़ेबा शब्बीर का जिसने रुखे ज़ेबा नहीं देखा। सरकार शेर पेश करने जा रहा हूँ, खास तौर से देखेगा शेर के बारे में, खास तौर से देखेगा कि कौसर कौसर से लगी इनकी जमीन गैर तलक है। अरे तुमने अबू तालिब का इलाका क्या सुनाया? बस खुदा सलामत रखे नवाज़ों को। तुमने अबू तालिब का गैब तलक यानी हद ही नहीं है कोई। तुमने अबू तालिब का इलाका देखेगा भाई देखेगा। तुमने अबूता और वो जाए विलादत है इन्हीं के तो पिसर की। अरे एले एन बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं खास तौर से। देखेगा वो जाए भाई आप इधर आइए। नहीं आप इधर तस्वीर या इधर आ जाए। मैंने कुछ गौर किया इसलिए कि तुमने अबू तालिब कहा असद इसीलिए कहा गया कि चारों तरफ देखता है शेर के। तुमने अबू तालिब कहा शेर कितना भी कमजोर हो जाए लेकिन चीता फाड़ता उसी देश। तुमने अबू तालिब का इलाका नहीं देखा। सुनिए साहब वो जाए विलादत इन्हीं के तो पिसर की। अरे क्या गौर से तुमने कभी काबा कहीं देखा तुमने? क्या तुमने साल बना सरकार सरकार खुदा सलामत। हाँ ये खुदा सलामत रखे मौला सलामत रखे नवाज सरकार। कौसर से लगी की जमीन है तलक है। अरे तुमने अबू तालिब का इलाका नहीं देखा। तुमने का इलाका नहीं देखा।
شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے پچھلے سال کھڑے ہو کے بچوں سے میں نے داد لے لیا تھا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پھر کھڑے ہو کے آپ سے داد لوں گا. وہ شعر پیش کر رہا ہوں خاص طور سے کہ حیران ہو تم قاسم نوشا سے اتنے. اب یہ جناب حضرت قاسم سے یہ فوج شام و کوفہ پریشان ہوئی ہے. مصر ثانی پیش کرنا چاہ رہا ہوں خاص طور. حیران ہو تم قاسم نوشا سے اتنے، ارے عباس کا تم نے ابھی حملہ. عباس کا تم نے عباس کا خدا ہے. شکر ہے سر. فیضی بھائی آپ کچھ رہیے، ترقی کریے. مولا عباس کا تم نے ابھی حملہ نہیں دیکھا. شیر سنیے پیش کر رہا ہوں سرکار. کہ کٹتا تھا گلا کہتے تھے سب حور و ملائک، کٹتا تھا گلا کہتے تھے سب حور و ملائک، ارے شبی نہیں دیکھا ہم نے. شبیر جیسا جیسا کوئی آ بیٹا سجدا نہیں دیکھا، کوئی سجدا نہیں دیکھا. اور کہتا تھا سنیے صاحب کہ کہتا تھا اسد دیکھ کے اصغر کو زمانہ، کہتا تھا اسد دیکھ کے اصغر کو زمانہ، ارے ایسا کوئی ہنستا ہوا بچہ نہیں دیکھا ہم نے.
ऐसा कोई खुदा से सब मिल के बोलिए बच्चा नहीं देखा। सुने साहब कि कम सिन है अभी अभी सैयदो सरदार बनेगा। सुनिए साहब कि कम सिन है अभी सैयदो सरदार बनेगा। अरे शब्बीर शब्बीर के लश्कर का अलमदार। अरे क्या सुना है, क्या सुना भैया? शब्बीर के लश्कर का अलमदार बने मिस्रे मौलाई मजमा है। सुने जवान खास तौर से कि अब्बास अब्बास के तेवर ये बताते हैं अभी से। अरे ये हो के जवान है दरे को सलामत रखना। खुदा सलामत रखे। ये हो के जवान अब्बास के तेवर सरकार ये बताते हैं अभी से। अरे ये हो के जवान है दरे करार बनेगा। ये हो के जवान है दरे करार बनेगा। ये शेर भी सुने हमारी कौम के लोग जहां जाबाज ये कौम है। सुनिए साहब खास तौर से ये हो के जवान है दरे करार बनेगा। और गर जो जुल्म हो रहे हैं शियों पर गर जुल्म सितम कम ना हुए अहले जहां के। सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, शियत के खिलाफ हो गई है, हमारी आजादारी के खिलाफ है। सुनिए साहब असद नसीराबादी क्या कहना चाहता है। गर जुल्म सितम कम ना हुए अहले जहां के। अरे हर बच्चा मेरी कौम का मुख्तार बनेगा।
بچہ میری قوم کا مختار بنے گا. ایک نعرہ سلوات دیجیے خاص طور پر. قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں, اس میں صرف ایک مطلع دو تین شعر اور سن لیجئے. اور پھر حکم خدا ہوا, پھر مرضی مولا ہوئی, اور ان کے چاہنے والوں کا پھر حکم ہوا, تو پھر انشاءاللہ صحت و تندرستی کے ساتھ پھر سناؤں گا انشاءاللہ. حکم خدا قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں, مطلب میں مصرع ثانی میں میں نے ایک بات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ خشکی میں یعنی ریت میں کوئی چیز چل نہیں سکتی, پانی میں چل سکتی ہے. میں پیش کر رہا ہوں خاص طور پہ, شاید کسی قابل ہو, بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. یہ نندو پور کی زمین بہت ہی ماشاءاللہ پرامن ہے, اور اہل علم تشریف فرما ہے. یہاں پر سنیے گا کہ دیکھا عجب ترا کا کرشمہ غدیر نے, پہلی بھی کہ دیکھا عجب ترا کا کرشمہ غدیر میں خشکی میں چل رہا تھا سفینہ. سفینہ پانی میں نہ چل کے خشکی میں چلا, خشکی میں چل رہا تھا سفینہ غدیر میں. سنیے صاحب خاتوں سے پیش کر رہا ہوں کہ ایمان والے جتنے تھے کہتے تھے بار بار, ایمان والے جتنے تھے کہتے تھے بار بار, ارے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے ہو بہو کعبہ غدیر میں. اور شعر اور پیش کر رہا ہوں کہ گر گر چاہا تا تو تاروں کو چھوتا فلک کے ساتھ, گر چاہتا تو تاروں کو ارے چھوتا فلک کے ساتھ, ارے اتنا بلند تھا میرا مولا. اتنا بلند تھا میرا مولا غدیر میں, اور نہ ہو یقین تو دیکھ لو بلغ کی آیتیں, نہ ہو یقین تو دیکھ لو ارے بلغ کی آیتیں, ارے قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ.
پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں، اور دین دین خدا کا جس نے مقدر بدل دیا، دین خدا کا جس نے مقدر بدل دیا، ارے اسلام کو ملا وہ خلیفہ غدیر میں، اسلام کو ملا وہ خلیفہ غدیر، اتنا بلند تھا میرا مولا غدیر، ماشاءاللہ۔